गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए कल हम लोग सेट नंबर वन को देखे थे, आज हम लोग चलेंगे सेट नंबर दो पे, ठीक है। उसमें जो प्रॉब्लम है उसको आज हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर वन है कह रहा कि एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है शंकु की ऊंचाई कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? शंकु का आयतन। जो शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर 1/3 क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? 1/3 पाई, आर का वैल्यू कितना है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर इंटू एच कितना है? 12 है। यह आपका सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 1/3 पाई इंटू 3, 3 जा 9 हो जाएगा, इंटू 12 सेंटीमीटर, 3 से काट दिए, 3 जा 9, 12 3 जा 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दो है साइन पाई बाई 3 का मान क्या होगा, ठीक है। साइन पाई बाई 3 का मान क्या होगा? साइन पाई का वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे? 180। क्या रखेंगे? 180 बाई 3, 3 से काट देंगे, 3 से गया 80, यानी साइन 60 डिग्री हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1। कितना होता है? √3/2। कितना होता है? √3/2 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कितना होगा? डी नंबर। ऑप्शन नंबर होगा डी, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है मूल बिंदु से 4-5 की दूरी क्या है, ठीक है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0-0। मूल बिंदु का निर्देशांक हो गया 0-0। यह मान लीजिए पॉइंट ए है, और इसका जो दिया हुआ है बी का निशान कितना है? 4-5, ठीक है। पूछ रहा है इसके बीच की दूरी क्या होगी, तो यह मान लीजिए ए बी हो गया दूरी। तो दूरी सूत्र आप लोग पढ़ाए थे, x2-x1 का होल स्क्वायर प्लस y2-y1 के होल स्क्वायर का रूट ओवर। क्लियर है? यहाँ पे वैल्यू हम रख देंगे x2 का, x2 का वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गया, -0 का होल स्क्वायर प्लस -5 -0 का होल स्क्वायर। यहाँ देखेंगे 4 में जैसे 0 जाएगा 4 होगा, 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 2 का 16, और माइनस का स्क्वायर ही प्लस ही होता है, 50 25, यह हो जाएगा 41 रूट अंडर, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना है? सी नंबर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होती है। किसी बाह्य बिंदु से, मान लीजिए एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, ठीक है। बाह्य बिंदु से, मान लीजिए आप बिंदु है, इस पे खींची गई स्पर्श रेखा, मान लीजिए पी है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आर है, दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर, यानी क्या होगी इसमें? समान होती है। कितना नंबर आंसर होगा सही? बी नंबर। क्या होगा? यानी समान होती है। क्लियर है? बिंदु ए बी और -A - B के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ जो बिंदु दिया हुआ है उसका, मान लीजिए पॉइंट ए है, इसका निर्देशांक है ए बी, क्या है? a, b। यहाँ पे है दूसरा बिंदु है बी, इसका निर्देशांक है -A और -B। पूछ रहा है दोनों के बीच की दूरी, तो मान लीजिए ए बी हो गया बीच की दूरी, फॉर्मूला होता है h2-x1 का होल स्क्वायर प्लस y2-y1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। h2 का वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं -A, a1 का ले लेते हैं a,
इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस बी, बी की जगह पे क्या है बी वन की जगह पे वाई वन की जगह मान लें माइनस बी, इसका होल स्क्वायर यह हो जाएगा माइनस टू ए का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस टू बी का होल स्क्वायर। यहाँ देखेंगे माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, यह हो जाएगा दो दुना चार ए स्क्वायर प्लस दो दुना चार बी स्क्वायर का रूट ओवर चार, इसमें कॉमन ले लेंगे यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे चार का वर्गमूल कितना होता है दो होता है, तो दो हो जाएगा बाहर निकल जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा बी नंबर, आंसर हो जाएगा आपका बी, यही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं छ, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इसमें कहता है बिंदु चार तीन किस चतुर्थांश में है। बिंदु चार तीन किस चतुर्थांश में है, आपको बताए थे चार और तीन, चार और तीन जो है क्या है x का वैल्यू भी प्लस है y का वैल्यू भी प्लस है, किस चतुर्थांश में होगा प्रथम में, किस में होगा प्रथम, आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए प्रथम में। क्वेश्चन नंबर है सात, क्वेश्चन नंबर सात है, इसमें कहता है किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। ठीक है, वृत्त की परिधि बराबर क्या होती है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर दिया है 44, कितना दिया है 44 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि होती है पाई इंटू डी, पाई इंटू डी बराबर 44, इसको हम लिखेंगे पाई का वैल्यू यहां पर रख देंगे 22/7 इंटू डी, डी मतलब हो गया व्यास, ये हो गया 44, काट दिए 22 × 44, डी का वैल्यू हो जाएगा हमें 7 से गुना कर देंगे 7 × 14 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना है सी नंबर, क्या हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आठ, क्वेश्चन नंबर आठ, क्वेश्चन नंबर आठ है, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 4:3 के अनुपात में है, उनकी त्रिज्याओं का क्या अनुपात होगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे गौर करेंगे वृत्त की जो परिधि का अनुपात होता है वहीं उसकी त्रिज्या का अनुपात भी होता है। ठीक है, तो वृत्त के परिधियों का अनुपात 4:3 है, उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा 4:3 ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी, क्या होगा बी, यही आंसर हो जाएगा। और कोई पूछेगा कैसे, तो लिखेंगे पहला वृत्त की परिधि यहाँ पे देखते हैं मानते हैं 2πr1 है, क्या है, और दूसरा का 2πr2 है, दोनों का अनुपात दिया होगा कितना 4:3, 2 से 2 कट गया पाई से पाई कट गया, यहाँ पे r1/r2 कितना आ गया 4/3 यानी 4:3 वही आता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है द्विघात बहुपद x²-5 के शून्यक होंगे, x²-5 के शून्यक होंगे। ठीक है, तो जब भी शून्य कहेगा क्या करेंगे x²-5=0 कर देंगे। अब यहाँ पे x²-5 उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा +5, अब x=, यहाँ पे जब जाएगा स्क्वायर तो रूट में आ जाएगा, यहाँ पे +-5 हो जाएगा, इसका मतलब हुआ x का दो वैल्यू होगा, एक +√5 होगा एक -√5 होगा, यही दो शून्य हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 5√5-√5, यही दो शून्य हो, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यही आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, पूछ रहा है आर के लिए कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे देखते हैं आर का जो वैल्यू होता है क्या होता है, आर का वैल्यू 0 के बराबर होता है या क्या होता है 0 से बड़ा होता है। ठीक है, और आर का वैल्यू क्या होता है बी से छोटा होता है। यहाँ देखेंगे अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे मान लीजिए कितना है और 5 और यहाँ पे 4 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है,
अब प्लस यहाँ पे देखते हैं टू है तो वन है, मानते हैं कितना है वन है, यहाँ देखेंगे और मान लीजिए यहाँ पे एक जगह फाइव है, बी जगह कितना है चार है, क्यू जगह पे वन है, अरे जगह कितना होगा वन होगा, ए इज इक्वल टू बी यहाँ पे क्यू यहाँ पे आर लिख दिए, बी जगह पे लिख दिए कितना चार, क्यू जगह पे वन, आर जगह पे वन, ठीक है। यहाँ देखेंगे फिर यहाँ पे अगर चार में डिवाइड करते हैं वन से, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, यहाँ पे चार बार में कटेगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो आर का एक वैल्यू देखें यहाँ पे इसके बराबर आया वन के और जीरो के, तो वन क्या हुआ जीरो से बड़ा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन जीरो का वैल्यू जो होता है आर से क्या होता है छोटा होता है या आर के बराबर होता है, और इसका वैल्यू जो होता है बी से छोटा होता है, कोई दिक्कत नहीं, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी, यही हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें कहता है निम्न में कौन अपरिमेय है, कौन अपरिमेय है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ए में, ए में ऑप्शन है फाइव बाई फाइव रूट टू, बी में है थ्री रूट टू बाई रूट टू, सी में है यहाँ देखेंगे सी में है चालीस बट्टा बारह है, और डी में है रूट अंडर एक सौ छियानवे, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कौन अपरिमेय है, क्या है कौन अपरिमेय है, तो अपरिमेय इसमें कौन होगा, यहाँ से ही कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ही कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो आपका अपरिमेय संख्या है इसका निकालेंगे किसका होता है, चौदह का होता है, चौदह के आसपास क्या होता है एक सौ छियानवे होता है, यहाँ देखेंगे वन बाई रूट यहाँ बच जा रहा है, यानी यही क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा को, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, यहाँ देखेंगे दिया हुआ है द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है, के शून्यक अल्फा और बीटा दिया है, क्या दिया है अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है, यहाँ देखेंगे अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, सी का वैल्यू कितना है यहाँ पे चार है, ए का वैल्यू कितना है वन है, यानी चार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे देखते हैं दिया हुआ है यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर के शून्यक अल्फा कमा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, यहाँ देखेंगे दिया हुआ है द्विघात बहुपद यानी पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, इसके शून्य दिए हुए अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, तो बी की जगह पे क्या है प्लस चार है, तो माइनस चार बटा ए यानी माइनस फोर बाई थ्री, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें होगा ए। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। क्वेश्चन है समीकरण युग में 2x प्लस 3y प्लस 5 एवं 4x प्लस 6y प्लस 10 के हल होंगे, दिया हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 5 एवं 4x प्लस 6y प्लस 10, ठीक है, होंगे, ऑप्शन दिया है संगत संपाति समानांतर इनमें से कोई नहीं, इसको क्या करेंगे a1 by a2 इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू पर रखकर देख लेंगे, ठीक है। ए वन का वैल्यू कितना है यहाँ से रखेंगे टू है, ए टू का वैल्यू कितना है फोर है, इज इक्वल टू बी वन का वैल्यू थ्री हो जाएगा, या आपका वैल्यू कितना हो जाएगा सिक्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा फाइव, यहाँ पे हो जाएगा आपका टेन, इसको काट देंगे दो दुना चार दो दुना छः पाँच दुना दस, यानी वन बाई टू इक्वल टू वन बाई टू इक्वल टू वन बाई टू,
यानी सबका वैल्यू क्या आ रहा है बराबर यानी संगत है। क्या है संगत, यहाँ पे हो जाएगा आपका संगत संगत है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, यही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ समरूप है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर है एवं डीएफ का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बीसी बराबर 2.3 सेंटीमीटर हो तो ईएफ की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ देखेंगे दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है, एक समरूप त्रिभुज एबीसी है, मान लीजिए ए है बी है और सी है, दूसरा समरूप त्रिभुज दिया हुआ है डीईएफ, क्या दिया है डीई और एफ। ठीक है, दोनों समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल है कितना, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ इक्वल टू होता है, यहां देखेंगे पर मैं आपको बताए थे यदि दो समरूप त्रिभुज हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें बीसी दिया हुआ है कितना 2.3 होगा। इसमें पूछ रहा है ईएफ का वैल्यू निकालना, ये निकालना है यह संगत भुजा, इसका ही संगत भुजा हो जाएगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 16, कितना दिया है, इसका दिया हुआ है 25, यहाँ रख देंगे 16/25। ठीक है, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा इसका अनुपात क्या हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे रख देते हैं बी का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा एफ का स्क्वायर, समझ लीजिए के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ देखेंगे हाँ, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं पीई बटा ईएफ का होल स्क्वायर बराबर 16/25। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ईएफ यानी बीई बटा ईएफ स्क्वायर है तो यहाँ पे रूट में आ जाएगा 16/25। 16 का वर्ग हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 5, यानी 4/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन इसमें होगा, 4/5 है ना, 4/5 है तो ऑप्शन नंबर इसमें कितना होगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे देखेंगे गौर से, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाले त्रिज्या पर होती है। मान लीजिए यहाँ पे एक वृत्त है, इसका केंद्र हो गया वो, यहाँ देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर होती है। क्या होती है, वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है, यही ना है, यहाँ से मिला दिए, त्रिज्या पे क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए, लंब होती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त पर आपको बताए थे अनंत, कितनी अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। क्या होगी ऑप्शन में, अनंत, आंसर क्या होगा अनंत, यानी आंसर नंबर कितना होगा इसमें सी, क्या होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18, इसमें है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस बिंदु पर प्रक्षेप करती है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रक्षेप करती है, कहाँ पे, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, मान लीजिए स्पर्श रेखा है वृत्त को किस बिंदु पर प्रक्षेप करती है, एक बिंदु पर, कहाँ पे, हाँ यहाँ पे किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रक्षेप करती है, कहाँ, एक बिंदु पर, एक बिंदु पर रही है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर कितना होगा सी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक वृत्त की समांतर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक वृत्त के समांतर, ठीक है, माने इस यह वृत्त है इसके समांतर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है,
इधर से एक हुआ, एक समांतर रेखा, ठीक है, इधर से भी करेंगे तो क्या होगा, इसके समांतर क्या होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है, एक वृत्त की समांतर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, कितनी होगी, दो होगी, कितनी होगी, दो होगी। आंसर क्या हो जाएगा, नंबर दो, 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी होगी। मान लीजिए बिंदु 0 0 है, उसका पॉइंट ए मान लेते हैं, इसी का निर्देशांक मान लीजिए 0 0, दूसरा पॉइंट बी मान लेते हैं, इसका निर्देशांक मान लीजिए दिया है 36 और 15, पूछ रहा है दोनों के बीच की दूरी बताइए, यानी ए बी हो गया दूरी, ए बी हो गया, यहाँ पर हम इसको एक्स वन कह दें, वाई वन, एक्स टू और y2, ठीक है। यहाँ देखेंगे फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। x2 का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 36 है, माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर का रूट ओवर, यह हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर 1296 होता है, कितना होता है 1296, अब प्लस इसका होता है 225, इसको जोड़ देंगे 6 5 11, हाथ में 1 3 और 9 12 का 2, हाथ में कितना होगा 1 13 2 15, यहाँ 36 का स्क्वायर गलत लिखा गया है, 1236 होना चाहिए, कितना होता है, देखेंगे 5 6 11 के हाथ में 1 3 9 12 के हाथ में 1 3 2 5 1, 1521 हुआ, 1521 जो है स्क्वायर रूट का निकालेंगे 1521 का, यहाँ देखेंगे 3 से 9 6, या यहाँ पे 6 हुआ, ठीक है, इतना से कटेगा 9 से 9 81 हो जाएगा, हाथ में 1 9 6 54 9 81 हाथ में 8 9 6 54 8 62, कितना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 39, कितना हो जाएगा 39, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना होगा डी, यही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।